अस्सलाम वालेकुम, आप बात करते हैं कि अगली नशिस्त के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सजाद अकरम। आज के मेहमान हमारे बहुत ही प्यारी शख्सियत है, इंतहाई नफीस और शाइस्ता आवाज़ लहजा और बहुत ही प्यारे फनकार। पेंटिंग से मेरा उनका जो एक रबता है, इंतहाई मज़ेदार पेंटिंग करते हैं, नेचर को अपने कैनवस पर उतारते हैं, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, डेरा इस्माइल खान से उनका ताल्लुक है और आज भी लाइव पेंटिंग, प्लेन एयर पेंटिंग की जो एक रवायत है उसको कायम रखे हुए हैं। उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, उनसे बात करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। नाम है उनका अजब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अजब भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमारे अब बात करते हैं कोई इज्जत बख्शी। आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने आओ बात करें में मुझे मौका दिया। आपका ये सिलसिला हम तवील अरसे से देख रहे हैं, बल्कि आपके नुक्ता के हवाले से हम बहुत तवील अरसे से वाबस्ता हैं कि आपने लिया तो एक डाट था, एक नुक्ता, अब वो नुक्ता जो है दो नुक्ता नहीं रहेगा, अब इसमें काफ कशिश वाला नुक्ता आ गया। यानी एक ऐसी आप नुक्ते को लेकर चल रहे हैं जिससे नुकात बनते हैं और ये आपका बड़ा खासा है। मैं आपको इस बात पे भी बहुत ज़्यादा दाद देता हूँ। ये काबिल सताइश बात है कि आपने माशाल्लाह से ये सिलसिला और बात करेगा और फिर ऐसे लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं जो वाकईतन समाज के अंदर अपने रंगों से और हरफों से एक बदलाव लाते हैं, और ये आपका, इसके लिए आप ज़्यादा शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अजय भाई की मेरा जो इनके साथ एक डायरेक्ट एक रब्ता जो हुआ वो हुआ, हमने एक एग्जीबिशन नुमाइश हमने एक नुक्ता स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पे लाई जिसका उन्वान था कॉम्प्लेट, कि जितने भी लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान से उनको हमने मधु किया, डिफरेंट हमने मेंटोर्स पूरे पाकिस्तान से बुलाए, इकट्ठे किए, उनसे बात की, तो उसमें अजब भाई बहुत पेश थे। उन्होंने अपने इलाके के बहुत सारे फनकारों को अपना इंट्रोड्यूस किया, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाए और पूरे पाकिस्तान से हमने उस एग्जीबिशन को मुनक्द किया। तो अजब भाई हम बात करेंगे कि आपका इस फील्ड में आना कैसा हुआ, क्योंकि डेरा इस्माइल खान से आपका ताल्लुक है, आपके पेरेंट्स इंडिया से मूव हुए, कैसे इस फील्ड में आना हुआ? क्योंकि जैसे मैं आपको जानता हूँ कई ऐसा कोई किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं। जी हाँ। तो क्या शुरुआत हुई? ये तो अब ऐसे है कि अमूमन मतलब यही सवाल किया जाता है और बहुत से लोग यही, तो एक अजीब सा मजाक सा बन जाता है कि यार मैं ये कहूँ कि भाई बचपन से, और हकीकत भी यही है कि हम ये देखते थे कि हमारी वालदा, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, कि वो मिट्टी के चीज़ें बनाती थी और मिट्टी की चीज़ें ऐसी, वो सच एज मिट्टी, वो मिट्टी नहीं बल्कि मुल्तानी मिट्टी, हम देखते थे कि मुल्तानी मिट्टी भीगी हुई है, फिर वो कागज़ों के जो वेस्टेज होती है वो एक बड़े से तसले में भीगे हुए हैं, उनमें एक ख़ास मुद्दत तक वो भीगे रहे हैं, फिर वो मुल्तानी मिट्टी का उसके साथ मिक्सचर बना देना, गूंधना और फिर उससे चीज़ें बनाना, तो ये बचपन में हम अपने वालदा और फिर वालदा ही के हम मतलब बहुत बड़े कहें कि असिस्टेंट साबित उस बनने के बाद फिर उन चीज़ों को किस तरीके से रंग करना है, वो रंग की तरबियत भी हमारी वालदा देती कि फला जाओ मिनियारी के पास, उससे वो रंग मिलने हैं, तो वहीं से वो रंग लेकर आते, फिर उन पे हम वही जो कतरन ब्रश का तो हमें कॉन्सेप्ट था नहीं, कपड़ों की कतरन से वालदा के साथ मुआवनत फरमाते और उनके साथ वो रंगते, फिर हमारी वालदा उनमें ये शीशे के टुकड़े लगाती और शीशे के टुकड़ों के बाद फिर उनके साथ बेल बूटे बनते, तो ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जिस घर में बनती हो और वालदा बनाती हो, तो जाहिर है कि वो सब निशानियाँ किसी एक ऐसे बच्चे को प्रमोट करने की थी कि आओ भाई अब आपने आगे जाके रंगों की दुनिया में ही आना है।
तो सजाद भाई ये सिलसिला तो बचपन में था। अच्छा, और फिर वो जो बचपन का सिलसिला है जहाँ हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है कि चौथी जमात तक हमारी तख्तियों के जो मुकाबले होते थे प्राइमरी स्कूल में, हमारी तख्तियाँ बाकायदा दिखाई जाती थी कि ये देखिए जी खुशखती, अब वो कुदरती थी। तो ये वालदैन की तरफ से सिलसिला जान लीजिए कि कुछ है, और वो फिर आगे बढ़ता गया। लेकिन फिर हम तालीम के साथ भी जुड़े रहे, और ये फिर हमें इदराक होता है कि मियाँ आपने आर्ट ही की फील्ड को इख्तियार करना है। क्योंकि जब एक अकाउंट्स का उस्ताद, मैंने चूंकि बी काम किया और मुझे नहीं पता कि ट्राई बैलेंस क्या है, डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, बल्कि मौजूदा दौर में तो सिर्फ हमें डेबिट का ही पता है, क्रेडिट का तो पता ही नहीं चल सकता। और वक्त ने अब उस मैच पे हर आदमी ही सिर्फ डेबिट को जानता है, क्रेडिट को जानते ही नहीं है। तो सिलसिला बस इसी तरीके से फिर हमें, क्या हम कास्ट अकाउंटिंग की क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमारा टीचर हमें प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हैं और हम उनके स्केच बना रहे हैं, तो वो फिर हमारी कापी को देख कर कहते थे मियाँ आपने क्या चीज़ किया है। तो मैंने कहा जी बस यही किया है। तो वहीं पे हमने मतलब तय कर लिया था कि हम अकाउंट्स के बंदे नहीं हैं, आर्ट्स के बंदे हैं। वहाँ पे बिल्कुल मुसम्मम इरादा बना लिया, और उसके बाद फिर हम इस फील्ड में बाकायदा तौर पर, जिसे कहते हैं सेल्फ लर्निंग प्रोसेस, और ये ऐसा खूबसूरत प्रोसेस है, सारी ज़िंदगी यही चलता रहता है, मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे आपने जाना कि वो जो इंस्पिरेशन जो पहली थी वो घर से ही मिली, वालदा से मिली, कि वो जो मिट्टी के बर्तन और उनको रंग करना और उनको, तो घर से लेके आए। और आज पूरे पाकिस्तान में इवन दुनिया और भी बाहर भी उनका काम एग्जिबिट हो चुका है, और लैंडस्केप आर्टिस्ट के बहुत ही मायानाज नामों में से एक नाम है माशाल्लाह से अजय भाई का। सर, जब जैसे कि भी जिक्र हुआ कि ब्रशेस का पता नहीं था जी, वो जो कतरों से मिला के ब्रशेस, आज जब देखते हैं कि इतनी आसानियां हो चुकी हैं आजकल के बच्चों को कि जी वो जब स्टेशन शॉप्स पे जाते हैं या पेंट्स बने बनाए मिल जाते हैं जी हाँ, तो क्या वो अटैचमेंट होती है आज के बच्चों की कि वो जब रंग कैनवस पर लगाते हैं तो क्या एक एक आप जिन्होंने रंग भी बनाया खुद जी, ब्रश जिससे लगाते हैं कैनवस पे वो भी बनाए और उनको एक्सपीरियंस किया, तो क्या फर्क है? हाँ, ये बड़ा अच्छा बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अच्छा, ये इसकी जो अटैचमेंट है ना कलर्स के साथ, ये वदियत होती है, ये ऊपर से आपको काम सौंपा जाता है, आपने काम करना है। तो ऐसे लोग जब उसमें जाते हैं रंग की शॉप पे, स्टेशनरी की शॉप पे, तो वहाँ वो, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ मेरी तरह वो भी पागल हो जाते हैं जी। पागल ऐसे कि उनमें एक जिसे कहते हैं ना हिर्स बढ़ जाती है, मैं ये, और जैसे मैं मतलब किया करता था कि ये रंग लेना जो मेरे इस्तेमाल का नहीं होता था, लेकिन वो अट्रैक्ट करता था, वो मैं भी ले लिया। आज भी ऐसा ही नौजवान करता है, लेकिन खाल खाल जिसे ऊपर से मिला है, तो वही जिसे कहते हैं दीवानगी, तो हर एक को नहीं नसीब होती है। तो ये दीवानगी जो है वो किसी किसी को नसीब होती है। और आप देखते हैं कि आप चूंकि एक नुक्ता स्टूडियो में आप यहाँ पे वर्कशॉप भी कराते हैं, आपके यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद आती है, तो आप उस नौजवान को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये मर्ज इश्क में पूरा पूरा मुब्तला है। और इसकी दवाई जो है, इसकी दवा जो है, इसके सिर्फ मरीज होने में ही है, उसकी कोई भी दवा नहीं होती। तो ये नौजवान आज भी आ रहे हैं, और ये सिलसिला दीवानगी का मुसलसल है, उसमें तसलसल है, जारी रहेगा। आपने जब शुरुआत की अपने सफर की, तो आपने कैलीग्राफी भी की, आपने फिर पेंटिंग लैंडस्केप को आपने चुना, क्या समझते हैं कि जो एक वो ट्रेनिंग है जब आप कैनवस पे कैलीग्राफी करते हैं, और एक ख़ास पुरानी कैलीग्राफी जब उनको लेके चला जाता है, तो वो फीलिंग्स बताएं कि क्या, क्योंकि आपने ख़ते कुफिक में भी काम किया, नस्तालिक में भी काम किया जी। अच्छा सजाद भाई, मैं थोड़ा सा इससे पहले
इत्तेफाक से हमारे यहाँ जो दो कैटेगरी को देखा जाता है और अमूमन हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, जी ये पेंटर है और ये आर्टिस्ट है, ये एक डिफरेंस है, तफावत है, जबकि ऐसा पूरी दुनिया में नहीं है। हमारी जो, अब मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, शुरुआत कैनवस से नहीं है, हमारी जो शुरुआत है वो इससे है, क्या कहते हैं, बैनर से, साइन बोर्ड से, सिनेमा के जो होर्डिंग साइंस होते हैं उसके, और सिनेमा के जो बोर्ड लिखे जाते हैं उससे। असल में वो उसका भी ताल्लुक खताती ही से, अच्छा उसका ताल्लुक भी आर्ट ही से है, और वहां भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग है आर्ट, बल्कि एक मुकम्मल तौर पर आमाजगाह बनती है वो, एक हमारे किसी भी टीचर की जो दुकान होती है जिसे हम मतलब वो स्ट्रीट पेंटर कहते हैं, तो वो पूरी एक आमाजगाह होती है, वहीं पर पता लगता है कि पाकिस्तान में कौन कौन है, साद कैन कौन है, गुलजी कौन है, खालिद इकबाल कौन है, सईद अख्तर कौन है, जमील नक्श कौन है, तो ये वहीं पे आगाही होती है। हाँ ये है कि वहां पे ये है कि थोड़ा सा जरा देर से होती है, किसी इंस्टीट्यूशन में वो ऐसे है कि पूरी तारीख आपको पढ़ा देते हैं और फिर अपने इरा के आर्टिस्टों से भी वाकफियत करा देते हैं, वहां जरा देर से होती है, लेकिन वहां जो है 4 इंच के ब्रश की मशक भी होती है और 0 के ब्रश की भी मशक होती है। वहां पे फिर वो खताती की, जिसे कहते हैं खताती की तख्तियां, एक तो वो तख्ती है जो हम मतलब ड्राइंग करते हैं, ये तख्ती, एक वो तख्ती है जो अलिफ की तख्ती होती है और फिर बे की तख्ती होती है, फिर इसी तरीके से ऐन की, गैन की, ये ऐन की, काफ की, और ये सारी या की, सब तख्तियां। ये जो तख्तियां है इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपको, आप चूंकि लिटरेचर से ताल्लुक रखते हैं, इसमें एक कंसंट्रेशन जो है वो एक बड़ी जामे हो जाती है और उसे आपकी लिटरेचर की जबान इर्तकाज नसीब होता है, और वहां पे एक आर्टिस्ट को चीज को देखने का, बैलेंस से देखने की सलाहियत नसीब होती है। मैं ये समझता हूँ कि वो जो खताती की मशक है वो फिर आपको कुफिक की तरफ भी लेकर जाती है, सुलस की तरफ भी लेकर जाती है, और फिर कोई अपनी चीज भी इख्तियार करने का, कोई इख्तरा करने का, वो भी जौहर नसीब करती है। तो मैंने जो कैलीग्राफी की वो मैंने सब चीज़ों को जानते हुए, समझते हुए, कि ये फिर एक ऐसा कि यार हर हर्फ के अंदर से एक जाविया कशीद होता है, मैंने फिर वो जाविया दरियाफ्त करना शुरू कर दिया कैलीग्राफी में। अच्छा वो फिर ऐसे है कि उसमें मैंने तकरीबन कोई 3 शोज किए हैं और ग्रुप शोज तो बहुत ज़्यादा है, और इंटरनेशनली तौर पर मैंने कई मतलब इसमें कंपटीशन भी विन किए, और बस ये सिलसिला जी और न जाने कब तक रहेगा, इंशाल्लाह ये कायम दायम रहना चाहिए। और हम तो जैसे लास्ट जो आपने एक रेजिडेंसी भी जी हाँ की, जिसमें आपने प्लेन एयर पेंटिंग जाके लाइव साइट पे की, तो कैलीग्राफी से जैसे शुरुआत हुई बैनर्स और लिखना, लैंडस्केप पेंटिंग की तरफ कैसे हो जाने हुआ? हाँ इसके दरमियान में पोर्ट्रेट्स भी आते हैं, पोर्ट्रेट भी आपने पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छा, मजेदार बात यही है कि जब आप वही जो इब्तिदा होती है, मैंने जब जहन बताया कि 4 इंच के ब्रश है उसके से आप एक पूरी दीवार भी लिख रहे हैं, और दीवार भी इस तरीके से कि दूसरे की जमालियाती हिस्स को भी सामने रखना है, अपनी जमालियात तो आपने दीवार के हवाले करनी है, दूसरे की भी जमालियात कि वो एक दफा तो ब्रेक लगाकर रुक जाए कि यार क्या खूबसूरत लिखा हुआ है। एक तो वही का जो इर्तकाज है ना, उसी प्रैक्टिस का वो जो है आपके साथ साथ चलता है। तो नेचर को किस तरीके से देखना चाहिए, नेचर कैसे आपसे गुफ्तगू करेगी, आप कितनी नेचर के साथ इन्वायरमेंट है, तो जितनी ज्यादा आप मोहब्बत नेचर के साथ करेंगे, नेचर उतनी ही मोहब्बत से आपको जवाब देगी, और वही मोहब्बत जो है फिर हमारे कैनवस पर आ जाती है। तो नेचर जो है वो ऐसे, आप यकीन मानिए कि मुझे इंतहाई अफसोस होता है उस वक्त जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ, जब मैं उस स्कूल में अपने जाता हूँ कि यार यहाँ पे, यहाँ टाली का दरख्त, यानी कि शीशा का दरख्त था,
यहाँ चार सफेदे लगे हुए थे, यहाँ पीपल था, वो कहाँ गए? जब नेचर के साथ ये खिलवाड़ में देखता हूँ तो दिल खून के आंसू होता है। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जा रहे हैं कि दरख्तों को काट कर वहां पर दीवारों की, ईंटों की एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। दीवार बनती चल जा रही है। जी हाँ, दीवारें वो रवैयों में भी आ रही हैं। वही रहे, लेकिन फनकार इस चीज को समझता है, वही चीज फिर अपने कैनवस पे लाता है, वही फीलिंग्स अपने कैनवस पे लाता है जो शायद कभी कह नहीं पाता, लेकिन अपने रंगों के थ्रू, अपने कॉम्पोजिशन के थ्रू, अपने आराम से कह देता है। लेकिन काश कि हमारी जो आम आवाम है सिर्फ एक खूबसूरती के अलावा इन चीज़ों को भी समझे कि हाँ, काश समझ जाए। जितनी खूबसूरती एक आर्टिस्ट पेंट करता है वो बेसिकली उस लम्हे को रिकॉर्ड कर रहा है। जी, शायद आप नेक्स्ट कभी उस स्टेज पे दोबारा जाए तो वो आपको वैसा ना मिले। जी, ऐसी ऐसी फ्रेम सिलेक्ट कर देना और फ्रेम को पेंट कर देना, ये वो आर्टिस्ट सिर्फ एक खूबसूरती या सीनरी के वे में नहीं है। जी, जी, वो उस वक्त उसने वहां बैठ के क्या महसूस किया, ऐसी बात बिल्कुल, क्या कुदरत के साथ एक बातचीत हुई, वो अहम आर्टिस्ट का रोल। जी, आपने कैरियर चूज करने के लिए एमए उर्दू किया और उसके बाद पढ़ाने के शोबे में आप आए, टीचिंग और साथ साथ अपने शौक को जारी रखा। तो जब आपने ये चूज किया एज ए कैरियर इसको बनाना, तो स्कूल टीचिंग में आप अभी, मुझे जैसे आपने बताया कि आप रिटायर हो चुके हैं, तो ये कैसा सफर पहले वो भी शुरू हुआ कि? अच्छा, बड़ी मजेदार बात है। इससे इसके अलावा भी चूंकि बात यह है कि हम तो उसी तबके से हैं जिन्होंने बस सिर्फ जिनके पाँव में एक स्ट्रगल की बेड़ी डाल दी जाती है, और आज़ाद भी होता है लेकिन एक बेड़ी भी होती है, तो इसी टाइप के थे। तो जाहिर है कि कुछ सेंसिटिव, हमारे यहाँ आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा हसास गिना जाता है। मेरे यहाँ हसासियत बड़े अजीब व गरीब किस्म के मानी में है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मैं आज खुद अपने आप को जब हसास कहता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मैं इस टाइप का हसास हूँ कि मुझे कली के चिटकने की आवाज़ आए, ये हसासियत हो। बाकी हसासियत ये कि मुझे, मुझ पे जितनी जिम्मेदारियाँ हैं कि क्या मैं उन्हें कमा कहूँ पूरे करने की सलाहियत रखता हूँ, जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, इस हसासियत को मैं अपनी हसासियत समझता हूँ। बाकी आर्टिस्ट को तो जो चीज़ें वदियत होती हैं वो तो करते ही करता है। तो चूंकि अब हम इस जिम्मेदारी लेने वाले लोगों में से थे, तो इस दौरान मतलब बहुत सी नौकरियां की हैं। LDC भी रहा, फिर एक जगह पे असिस्टेंट इसमें भी रहा, शुमारियात के महकमे में। ये टीचिंग का शोबा तो इसलिए रास आया कि इसमें थोड़ी सी, जैसे कहें कि एक शाहाना सी बात होती है, जब एक टीचर किसी क्लास में जाता है तो उसे यूं लगता है कि मैं वाकई एक बहुत बड़ा हाकिम हूँ, लेकिन वो हाकिम नहीं होता, वो तो एक बहुत ज़िम्मेदार होता है। उसके साथ वाबस्ता जो एक बहुत बड़ी क्लास स्टूडेंट्स की होती है, वो सिर्फ इसी मकसद के लिए आती हैं कि हमने अपने उस्ताद से कुछ लेना है। तो उस लेने और देने के चक्कर में मैंने 31 साल गुजार लिए, और वो बस ये कि यार इस साल मैं ख़त्म कर दूंगा, इस साल फिर टीचिंग को, लेकिन ऐसे है कि हर साल मैं जिम्मेदारियां लेता रहा। और मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा मैंने, थोड़ा सा जो एक टीचर का हक अदा करना होता है, उससे थोड़ा सा आश्रय आशीष तो अदा किया है कि आज भी मेरे शागिर्द मुझे जहाँ भी मिल जाते हैं तो वो अच्छे एहतराम से मुझे अपनी जगह पर पहुँचा कर आते हैं। तो कुछ दिया, तो ये जिम्मेदारी जो है वो इस हवाले से मैं करता रहा। और अब उस आज़ादी का लुत्फ ले रहा हूँ कि जिसमें मैं सजाद साहब के पास बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा हूँ, वरना फिर वही जिम्मेदारी मुझे पुकार रही होती है, कल मैंने जाना है, फिर क्लास लेनी है। ये सर, जैसे भी आपने बात की कि जिम्मेदारियाँ, एक बीइंग आर्टिस्ट, फनकार, क्या समझते हैं कि जब जो पैगाम हम अपने आर्टवर्क के थ्रू लोगों तक देते हैं, क्योंकि वो भी हमारी इनफॉर्मल क्लास है जो जो उसको देख रही है किसी गैलरी में, किसी और जगह, क्या पैगाम आप अपने काम के थ्रू
भेजते हैं कि वो क्या सीखने को लेके जाते हैं? हाँ, ये तो अब ऐसे है कि कई हवालों से बड़ी सी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। हमारा वतन अजीज अल्लाह ताला इसे दीर्घा रखे, ताकयामत सलामत रहे, मेरा प्यारा वतन। देखिए जो जिन हालात से हमारा वतन गुजरा है और शायद अब भी गुजर रहा है, यहाँ पे एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी, एक शायर की जिम्मेदारी, एक लिखारी की जिम्मेदारी अपने अपने तौर पे आयद हो जाती है कि दुनिया जो है इस वक्त हमें न जाने कौन सी आँख से देख रही है। अब हमने अपने रंगों के जरिए से, अपने कैनवस के जरिए से पूरी दुनिया को ये पैगाम देना होता है कि हम तो बहुत साफ माइंड के लोग हैं, हमारे हाथों में रंग है, हमारे हाथों में ब्रश है, और ये ब्रश और रंग और ये हमारा कलम जो है ये मोहब्बतें कशीद करता है, ये अमन का पैगाम देता है। हमारा अगर कोई लैंडस्केप है तो ये नेचर नहीं है, नेचर के अंदर जो एक स्मूथली मोहब्बत फैली हुई है वही कैनवस पे हमारी उतरी हुई है। आइए देखिए, हम तो बड़ी मोहब्बतों वाले लोग हैं। हमारा कौन से खित्ते में आप जाएंगे, पाकिस्तान के एक एक गोशे में चले जाएं, आपको मेहमान नवाजी से लेकर आपको खूबसूरत रंग ही रंग मिलेंगे। वही रंग जो उनके नेचर के अंदर है वो वही इंसान के रंग है। तो ये पैगाम लेकर हमारा कैनवस भी आज क्या बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में आप देखें यही मोहब्बत का कैनवस फैला हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपके चाहने वाले जो हैं पूरी दुनिया में ही हैं और आपका काम देखते चले आ रहे हैं, और पूरा एक सफ़र जो आपने तय किया वो आपके काम में नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम सकाफत की बात हुई और हमारे कल्चर की बात हुई, तो हम अपने कल्चर को भी जो कि हमारा है कि हम चाय के कप के साथ बाकी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, तो हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और उसके उस वक्फे में आप जो भाई का काम देखेंगे, तो उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। आप भी अपनी चाय गर्म कीजिए और आ जाए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, हम गर्मा गर्म चाय के साथ आ चुके हैं वापस, और अभी जैसे ब्रेक में आप भी काम देख रहे थे अजय भाई का, पोर्ट्रेचर भी इन्होंने किया, कैलीग्राफी भी की, लैंडस्केप भी की। तो हम गर्मा गर्म चाय के साथ अजय भाई से पूछेंगे कि कैसे ट्रांजिशन आई, कैसे आते गए पोर्ट्रेचर के बाद लैंडस्केप में, और अभी भी सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सफर कैसा रहा? अजय भाई की जुबानी हम सुनेंगे। अजय भाई, जब बैनर्स पेंट किया करते थे, होर्डिंग्स पेंट किया करते थे, तब उसी दौरान जब बिलबोर्ड बड़े, उस टाइम तो अब पैनाफ्लेक्स का दौर नहीं था, तो सब पेंट हुआ करता था, पोर्ट्रेट क्या वहीं से शुरू हुआ या कहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा उसके बारे में? हाँ, बड़ा मजेदार बात है, शुरू कहाँ से हुआ, शुरू तो हो गया, और सच पूछिए तो जो पेंटर का हमारा सिलसिला था, साइन राइटिंग का सिलसिला था, वो बिल्कुल ऐसी था जैसे एक सौदागर का सिलसिला होता है। अब आप कहेंगे कि यार बड़ा अजीब सा जवाब है, क्या सौदागर का? यानी वो साइन राइटिंग जो है मेरी बिल्कुल एक बनिए किसी थी, जैसे एक हिंदू बनिया कमा इसलिए रहा है कि घर थोड़ा सा चल जाए और कैनवस के पेट भरने के लिए मुझे
आयल ट्यूब्स मिल जाएं, मुझे कैनवस मिल जाए। जैसे आप जानते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव शौक है। आप यकीन मानिए कि मेरा जो साइन राइटिंग का सिलसिला था वो इस पेट के दोजख को भरने के लिए कम था और कैनवस के पेट को भरने के लिए ज्यादा था। मैंने वहां से कमाया रोगनी एनेमल रंगों से और ऑयल ट्यूबों को खरीदने के लिए, बस यही सिलसिला था। और फिर इसमें जाहिर है कि बहुत सी चीजें, मेरी खुशबख्ती ये है कि मेरा नानिहाल जो है वह लाहौर में है और लाहौर आप जानते हैं कि असातिज़ा का शहर है। जितने वहाँ पे बड़े बरगद के दरख्त हैं उसके नीचे कोई ना कोई साधु उस्ताद बैठे बैठा है, चाहे वो खालिद इकबाल हो, सईद अख्तर हो, शाहनवाज जैदी हो। तो मतलब ये ऐसी बरगद की तरह पूरे लाहौर में फैले हुए हैं। अच्छा, फिर थोड़ा सा तालीम का सिलसिला भी कि भाई ये आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी क्या है, अलहमरा कहाँ है, शहला सहगल की लाहौर आर्ट गैलरी कहाँ पर है, शाकिर अली म्यूजियम कहाँ पर है, तो इनकी आगाही थी। फिर वहाँ पे इन कामों को हम देखते तो देखते कि यार एक लैंडस्केप का आर्टिस्ट जो है वो पहले तो पोर्ट्रेट कर रहा था लेकिन अब लैंडस्केप ही कर रहा है, या सईद अख्तर साहब जो है वो सिर्फ एक खास नहज की पेंटिंग्स ही, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स ही करते हैं, शाहनवाज साहब जो हैं वो अपने कल्चर को भी लेकर और एक खास इसको। तो ये फिर सवालात और फिर इन असातिज़ा को जाके बिला ऐसे बिलमुशाफा जाकर मिलना, जाके सलाम पेश करना, फिर उनके स्टूडियो में पहुंच जाना, तो जाहिर है कि ये इल्म के बहुत बड़े मराकज़ हैं अपनी ज़ात के हवाले से भी। तो वहाँ इनके दरवाजों पे जब भी कोई पहुँचता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। मेरा जो इश्क का कशकोल है वो वहां से भरता, रास्ते में कितने दरिया आते न जाने कहाँ कहाँ उड़ेल आता, लेकिन वो इश्क जो है फिर वो अपने पहुंचता तो वो बकौल शायर के यूं कहेंगे, इस तरह कहेंगे, इस तरह कहेंगे, वो सब कुछ जितना मवाद होता वो भूल जाते, लेकिन कहीं ना कहीं लाशऊर में चीजें बैठ जाती। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहा। फिर वन मैन शो जब मैं करता हूँ ना, वहां से मुझे एक खबर होती है। 2005 में, इससे पहले मेरे कई ग्रुप शोज हो चुके थे और अल्लाह ताला गरी की रहमत करे गुलाम रसूल साहब को, मैं एक शो डी ए खान में अरेंज किया अपने डी ए खान के साथियों को लेकर 99 में, फिर उन्होंने ही हमें तीन आदमियों को लेकर PNCA के अंदर शो किया, लेकिन फिर वो तो ग्रुप शो ही गर्दाना जाएगा। ये जो इदराक का सिलसिला है ये फिर जैसे कहते हैं ना कि अपना शो जो है वो आपको दादो तहसीन तो देता ही देता है, लेकिन आपके अंदर के तनकीद निगार को अगर वो है तो उसे उठा लेता है। तो वो वहां पर जो है वो मेरा अपने अंदर का तनकीद निगार जो है 2005 में कुंजाड़ गैलरी के अंदर जाग उठा, और उसने जब अपने ही काम को मैंने देखता हूँ तो उसमें यूं लगता है कि यार नहीं, कोई एक मौजू लेकर उस पर काम किया जाए। अब यहाँ पे जितना भी एक आर्ट लविंग पर्सनैलिटीज आ रही हैं तो उनकी तवज्जो मुंतकिल हो रही है कई शोबों में, ना तो वो कैलीग्राफी को सही तवज्जो दे पा रहे हैं, ना आपके पोर्ट्रेट पेंटिंग्स को देते हैं, ना आपके लैंडस्केप को दे रहे हैं। तो ये फिर वहां से एक इदराक हुआ कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने 2007 में सिर्फ एक ही शो किया और वो टोटली तौर पर कैलीग्राफी का था, और वही जो इनोवेटिव कैलीग्राफी जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स में बनाता हूँ। फिर वहां से फिर वहीं पे लगा कि यार लैंडस्केप का जो एक खाना है और हम कल्टीवेटेड लैंड शुमार होते हैं, जितने हमारी जरखेज सरजमीन है उतने ही खूबसूरत लैंडस्केप की सरजमीन है। और फिर खालिद इकबाल हैं, जुल्कनैन हैदर साहब, नज़ीर अहमद साहब हैं, लैंडस्केप तो
अगर ना चला सिलसिला जुल्फकार जुल्फी साहब हैं तो यार ये तो मजाक खराब हो जाएगा, खालिद इकबाल दुनिया में नहीं रहे, जुल्फी साहब भी अब जो एक तवातुर से शो दे रहे थे वो उसमें भी एक काफी ज्यादा लंबा चौड़ा गैप आने लगा क्योंकि उनकी मसरूफियात जो है कई हवालों से, गुलाम मुस्तफा साहब जो है वो लैंडस्केप भी करते हैं और सिटीस्केप भी करते हैं, तो मतलब चीदा चीदा नाम ही है, बड़े नाम जो ये कर रहे हैं। जुल्कनैन हैदर साहब खासे उम्र रसीदा हो गए हैं जी। तो नाज़रीन बात हो रही थी उस्तादों की, कैसे सफर चलता रहा और उस्तादों जो लाहौर गए और डिफरेंट एक्सपोजर्स मिले, गैलरीज में आना कैसा हुआ, तो हम उस पर बात करते। तो अजय भाई बताइएगा कि कौन कौन से वो उस्ताद रहे आपकी ज़िंदगी में जिनकी वजह से आज समझते हैं कि इंस्पिरेशन भी मिली, गाइडेंस भी मिली। जी सजाद भाई, सबसे पहले तो वही हमारे जो उस्तादों में हैं, इकबाल शायद साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत फरमाए, तो उन लोग उस्ताद ने हमें बताया कि जनाब लाहौर है और वो बहुत से बड़े बड़े असातिज़ा की, जैसे आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े असातिज़ा वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो फिर इस तरीके से हम लाहौर का चक्कर लगाते, जैसे कॉलेज में से दो तीन छुट्टियाँ मिलती हैं हम लाहौर पहुँच जाते हैं, अलहमरा की सीढ़ियों पे बैठ के उनके असातिज़ा के काम भी देखते और काम के साथ साथ फिर रसाई करते हैं कि किसी तरीके से इन असातिज़ा को जाके सलाम पेश किया जाए। तो खालिद इकबाल साहब जैसे आप जानते हैं एक बड़ा मोहतरम नाम है, जुल्कनैन हैदर साहब लैंडस्केप के नाम है, और जनाब आप क्वेटा से जो ताल्लुक़ है जिनका, वो भी लाहौरी से है, एनसीए से हैं, करीम खान साहब, तो ये तमाम मतलब ये शाहनवाज जैदी साहब, तो ये ऐसे बड़े बड़े लोग, मतलब जैसे आप लाहौर जानते हैं कि वो दरख्तों का भी शहर है और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बरगद हैं वहाँ पे, उसी तनावर दरख्तों में ऐसी तनावर शख्सियात मौजूद हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब रास्ते थे जहाँ से हमें बहुत सी इसकी आगाही हुई। ये सिलसिले जी बिल्कुल उस्तादों का जिक्र हुआ, मैं जानना चाहूँगा फैमिली का कितना अहम रोल था, क्योंकि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। जी हाँ जी, कितना अहम किरदार था आपके शौक को एक परवान चढ़ाने में। अच्छा, फैमिली में बिल्कुल बहुत से मसाइल मतलब फैमिली के हवाले से है, बहुत से अहबाब को सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरे साथ फैमिली का बहुत बड़ा ताउन रहा है। सबसे पहले तो ये कि वालदैन की तरफ से, आप यकीन मानिए कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे अब बड़े फख्र से कहते थे यार वो हमारे पेंटर बाबू हैं, क्या खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं भाई, और वो मुझे पेंटर बाबू के नाम से पुकारते थे। इसी तरीके से अम्मी जी ने हमें बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी मटेरियल के हवाले से अपने जेब के मतलब पैसे हमें दिया करती थी और हम रंग लिया करते थे। फिर सिलसिला ऐसा होता है कि आदमी शादीशुदा हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितनी भी मेरे पास कामयाबियाँ हैं, वालदैन तो नहीं है, हाँ ये है कि मेरे बच्चों की वालदा तो है, वो सारा क्रेडिट मैं उसे देता हूँ, क्योंकि वो भले से मुझे आर्ट में तो नहीं, लेकिन इस हवाले से उसने बहुत सी तकवीत मुझे फराहम की है। उसे मालूम है कि भाई ये आदमी जो है कुछ सोचने वाला है, कुछ फिक्र करने वाला है, घर में खामोश रहेगा, और उस वो मेरी सब चीज़ों को बर्दाश्त करती है। उसने कभी आज तक मुझे ज़बानी तौर पर कोई किसी हवाले से दाद नहीं दी, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो हमें मतलब मिलती है और पता लगता है कि ये किस फख्र के साथ इस वक्त घूम रही है, तो ये हमें मतलब बड़ी अल्लाह की तरफ से सहूलत मिली है बेगम की सूरत में। पहले वालदैन थे, अब बेगम है, माशाल्लाह से सिलसिला अच्छा है। क्या आपके बच्चों में कोई आर्टिस्ट बनना चाहा किसी ने कोई, या इस तरफ हो के आपसे कुछ उसको गुर मिले हो? हाँ, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि आर्टिस्ट, क्योंकि सेल्फ टेट आर्टिस्ट जो होता है
मैंने ज़्यादा मतलब है कोशिश की है कि बच्चों को तालीम से जोड़े रखूं। अच्छा, और फिर जिस रियाजत के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस पैशन के साथ मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, अगर वो बच्चे के अंदर खुद है तो वो मेरी साइड पे आए भाई, क्योंकि ये सफर जो है, ये जर्नी जो है बड़ा तवील है। बहुत से लोग तो होते हैं जरा निकले और कामयाबी ने उनकी कदम छू ली है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं। और फिर अगर जबरी तौर पर मैं किसी बच्चे को इस फील्ड में लाने की दावत देता हूँ और या जबर करता हूँ, तो वो आर्टिस्ट तो बन जाएगा बाप के धौंस धमकी की वजह से या उसके प्यार और खलूस की वजह से, लेकिन मुमकिन है कि जुजवी सा बने, सानवी सा आर्टिस्ट रह जाए, तो वो उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे उसे जिंदगी में। हाँ, अगर पैशनेट है तो ये पूरी फील्ड, बाप भी घर के अंदर मौजूद है और फिर आसपास के दोस्त अहबाब भी मौजूद है। भाई आपको जिससे भी अगर कुछ गुर लेने हैं आप उंगली रखिए, इंशाल्लाह हम वहां तक ले जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि एक बच्चे में है सलाहियतें तो थी जेनेटिकली बहुत से बच्चों में। मेरी एक बेटी वो बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग करती है, बहुत ही खूबसूरत। मैं अब भी उसे कहता हूँ बेटे अगर आप ड्राइंग की साइड पे आ जाओ, ये इस पे आ जाओ, लेकिन अब वो जो खानदारी का सिलसिला होता है उसमें वो ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। और फिर बच्चों में से किसी ने ऐसी चीजें दिखाई नहीं। एक बेटा लास्ट वाला जो है, माशाल्लाह से मेरे हाफ डजन बच्चे हैं, तो हाफ डजन में से एक बच्चा है शहूद अली खान, वो आप जरा थोड़ी सी अपनी कारगुजारियां दिखा रहा है तो देखिए। और मेरी अब कोशिश है कि आप जैसे दोस्तों के तवसुस से उसे एनसीए की तरफ भी लेकर आऊं या पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ लेकर जाऊं। अब वो फर्स्ट ईयर में है लेकिन लगा हुआ है। हमने जाना अजब भाई से कि उनकी फैमिली का किरदार कैसा रहा। हम आगे देखेंगे, जानेंगे कि कितना अहम रोल है दोस्ती का। दोस्ती क्या है आपके नजदीक? दोस्ती जो है वो मेरे नजदीक सबसे मुकद्दस सिलसिला है जो आपका इख्तियार है। आपके ब्रदरहुड मामला है, वो आपके इख्तियार होंगे, लेकिन दोस्ती एक ऐसी इख्तियारी चीज है जो इख्तियार करते हैं कि यार सजादी काम सा मेरा दोस्त होना चाहिए। अब इसमें जरूरत इस बात की होती है, ये एक ऐसी खूबसूरत चीज है, एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जो कई हवालों से डिफाइन नहीं किया जा सकता और डिफाइन किया भी जा सकता है। इसमें ये कि अगर आपको अच्छे और बेहतरीन मुखलिस दोस्त मिल जाते हैं तो ये दोस्तों की खूबसूरतियां इतनी खूबसूरत होती है। एक तो दोस्ती को एवं समेत कबूल करना चाहिए, क्योंकि दोस्त के पहले ऐब है, उसकी खूबियां जो है उसकी पीठ के पीछे। तो अगर आप खुद अच्छे दोस्त हैं तो यकीनी तौर पर मुझे यकीन है 100% कि आपके दोस्त भी आपके साथ वैसे ही मुखलिस होंगे। और दोस्त ऐसी खूबसूरत दोस्त, इसे अगर दोस्त यानी कि दो रूहें जब मिलती हैं तब एक दोस्ती का एक खूबसूरत रिश्ता उसदार होता है। और यही दोस्त होते हैं जो आपकी खूबी आपको बताते हैं कि सजाद इकराम साहब आपके अंदर तो ये खूबी है, इसे आप बरूएगार लाए। सजाद इकराम साहब आपके अंदर ये खूबी है, इसे लेकर आइए, ये लेकर आइए, ये लेकर आइए। ये दोस्त ही आपको आधा करते हैं। दोस्ती बड़ी, एक फनकार के लिए जब उसका मीडियम दोस्त बन जाए, जो कि आप जैसे माहिर फनकार के साथ ऐसा होता है कि जहाँ पे ब्रश चलाना चाहे, जहाँ पे जो रंग चलाना चाहे वो चलता है, तो वो दोस्ती जब कैनवस पे आती है, जब पेंट्स के साथ आती है, तो जो तस्वीर बनती है, वो जो फनकारे बनती है, वो एक अलग जान डालती है। तो वो उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या खासियत है कि अपने काम के साथ दोस्ती होना। अपने काम के साथ दोस्ती, दोस्ती से मावरा चीज है, ये बहुत मावरा चीज है।
जब आप दुनिया की बहुत सी लज्जतों को पसे पुश डालकर अपने कैनवस के साथ वो हज उठाने लगे जिसके लिए आप बहुत ज्यादा तमन्नाई होते हैं, तो फिर ये कैनवस के साथ दोस्ती का रिश्ता जुड़ता है। और ये वो ऐसा रिश्ता है कि इसे आप बस एक आपकी यकसोई, जब आप उसके साथ आपकी मुकम्मल तौर पर अटैचमेंट हो जाए तो बस यही एक ऐसी खूबसूरती है कि फिर वो आपको दुनिया माफिया से दूर रखती है और फिर आप वहां न जाने क्या खाली खाली कैनवस से भी आप गुफ्तगू करते हैं और भरे कैनवस से भी गुफ्तगू करते हैं। इसे आप कोई भी नाम नहीं दे सकते। ये वो खूबसूरती है जो सिर्फ कैनवस जानता है और उसके कैनवस को बरतने वाला जानता है। ये कैसी लेकिन किसी हद तक जो देखने वाली आंख है कहीं ना कहीं जो उस कैफियत को जान पाती है वो भी शायद उस रिश्ते तक पहुंच जाती है। बिल्कुल, डेफिनेटली पहुंचती है। इसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि आपके हमारे माजी की बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट जुबैदा आगा का एक जुमला आपके साथ शेयर करूंगा। वो ये कहती है कि नाजिर को चाहिए कि वो उस पेंटिंग को देखते हुए उतना ही टाइम लगाए जितना आर्टिस्ट ने लगाया है, तब पेंटिंग खुलती है। बिल्कुल हाँ, अगर वो इतना टाइम नहीं देता तो कम से कम उससे आधा दे, आधा नहीं देता तो कम से कम पाव भर दे जी। फिर कहीं पेंटिंग खुलेगी। और फिर खुलेगी कैसे? फिर इस अंदाज से खुलेगी कि जिस सिनेरियो में, जिस माहौल में और जिस सेंस के साथ आर्टिस्ट की इन्वॉल्वमेंट कैनवस के साथ रही है वो फिर उसी तरीके से खुलती चली जाएगी। जैसे आपने मैम सुबैदा जी का आपने एक कोट किया, तो सारी बात एक फनकार जो कहना चाहता है वो बात है जी, अपने अंदर की बात जो कैनवस के थ्रू कहता है, मुजस्मा साज अपने मिट्टी के थ्रू कहता है। असल चीज है बात कहना। बात हमारा जो ये सेगमेंट है आओ बात करें, कितना अहम आजकल के दौर में है कि बात करना जरूरी कितना है? देखिए, बात करना के सबसे पहले तो मैं आपको इस पे बहुत सी मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने ये सिलसिला शुरू किया है और इस सिलसिले की हमारी सोसाइटी को बहुत पहले से जरूरत थी। हमारे आर्ट पे अदब की तो रोजाना की महफिलें हो रही हैं, भाई अदीब भी उतना ही टाइम लगा रहा है, आर्टिस्ट भी सोच रहा है, फिक्र कर रहा है, समाज के अंदर अपने रंगों से तब्दीली वाकई करना चाहता है, तो भाई इस पे भी तो बात की जाए। और आप देखिए कि क्या कौन से इंकलाब आए हैं, हमारे पास तो पूरी तारीख भरी हुई है कि आर्ट के जरिए से भी इंकलाब वाकई हुए हैं। तो सोसाइटी के अंदर बदलाव जो है इसी गुफ्तगू के जरिए से आएगा जब हम डायलॉग शुरू करेंगे। और ये सिलसिला माशाल्लाह से आपने शुरू किया है, तो आप देखिए कि यार कितनी जरूरत है इस हमारी सोसाइटी को, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर से एस्थेटिक्स के पहलू मांद पड़ चुके हैं। हमारी सोसाइटी न जाने कौन सी जानब रवा दवा है, उसे तो आर्ट पे गुफ्तगू करनी चाहिए। किसी एक फन पारे को लेकर उसके तमाम तर पहलू पे, टेक्निक से लेकर उसके जमालियाती पहलू और फिर जमालियात के जो असरात सोसाइटी पर आते हैं, सोसाइटी के अंदर कौन से बदलाव, क्योंकि आज बकौल इसके मिर्जा गालिब के कि लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती। अगर इस कसाफत को आप जलवे में पैदा करना चाहते हैं, लताफतों में, तो फिर बात करनी पड़ेगी। और इस वक्त सोसाइटी को बड़ी जरूरत है कि हमारे यहाँ ना जाने किस किस्म की मतलब कसाफतें फैली हुई है और आर्ट एक ऐसी लताफत है जो सोसाइटी के अंदर चेंज लाएगी जब सोचना और गुफ्तगू करना शुरू होगी। क्या खूबसूरत मिसाल दी आपने, और सिलसिला दिल कर रहा है कि इस पे बैठे और गुफ्तगू करते चले जाएं, करते चले जाएं। और ना चाहते हुए भी ये एक ऐसा सिलसिला है और इतने प्यारे अजब भाई हैं हमारे कि
अभी तो उनके बहुत सारे पहलू ऐसे हैं कि जो अभी आगाज हमने छेड़े ही नहीं, और जैसे भी उन्होंने बात की कि टेक्निक्स पे अलग बात होनी चाहिए, सब्जेक्ट पे अलग बात होनी चाहिए, और हमारे यहाँ भी बहुत मार्जिन है कि हम बहुत बातें कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अजय भाई, हम तो पहले ही आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया, आपका हम ज्यादा वक्त मजीद नहीं रहेंगे क्योंकि अभी हमने वक्त को भी देखना है। कोई पैगाम आने वाले उन फनकारों के नाम जो सेल्फ टॉट, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद ही अपने एनवायरनमेंट से लड़के सीख रहे हैं, बहुत सौ को मौके नहीं मिल पाते कि वो इंस्टीट्यूट तक चले जाएं, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को वो इतना एस्टैब्लिश कर लें और कायम रहें कि उनको भी कोई जाने कर। बड़ी खूबसूरत बात यह है, एक तो मतलब जुड़े रहना और फिर कायम रहना और उसकी कंटिन्यूटी रखना, ये बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए, मैं सिर्फ यही पैगाम दूंगा अपने दोस्तों को, अपने मोहतरम जितने भी इस फन के साथ जुड़े हुए हैं, एक तो इस बात की बिल्कुल परवाह ना कीजिए कि हमें इंस्टीट्यूशंस नहीं मिले, और फिर दूसरी बात ये कि जब आप किसी एक फन के साथ जुड़ जाते हैं, आज वो दौर नहीं जो हमारा दौर था। हम तो अब ये कि मैं आपके साथ बैठा हूँ तो उसके पीछे असातिज़ा की तो मेहनतें हैं, अच्छा फिर उसके साथ साथ ये कि खुद अपनी तपस्या और अपना जो स्ट्रगल है वो भी साथ शामिल है कि गोड़ी गार्डन जाना, अनारकली मार्केट की मतलब उन दुकानों पर जाना जहाँ पुरानी दुकानें मिलती हैं और फिर जहाँ असातिज़ा की किताबों का दौर था। आज तो हमारे पास ये मोबाइल की एक डिबिया है, गूगल पे आप जिस भी आर्टिस्ट को सर्च करना चाहते हैं कीजिए, आपको मतलब डेवेंची से लेकर और पाकिस्तान के आर्टिस्ट तमाम तर जिसको भी, तो ये एक बड़ी सहूलत मुयसर है। अच्छा, और वो उस सहूलत पे ही इत्तेफाक ना कीजिए बल्कि अपने मुशाहदाती मामलात को आज के नौजवान को, आज के सेल्फ टार्टर्स आर्टिस्ट को ये चाहिए भाई कि पहले तो अपने इरा के आर्टिस्टों को जाने कि कौन कौन है और कौन कौन सी क्या क्या मश के अंदर वो इन्वॉल्व है, क्या क्या कर रहा है, फिर थोड़ा सा अपनी तारीख, अपने आर्ट की तारीख, अपने पाकिस्तान की, सब कॉन्टिनेंट के आर्ट की, फिर इसके बाद दुनिया के आर्ट की तारीख की तरफ जाए और वहां उसे फिर इस तरीके से अगर वो जुड़ेगा और अपने मौजूदा आर्टिस्टों के सही काम को जाके एग्जाम करेगा तो फिर ये चीजें खुलेगी। यूट्यूब या दूसरे ये मीडियाई जो ये हैं उसमें आपको यूं जानिए कि एक चीज तो मिलेगी लेकिन वो जिसे कहते हैं कि रंगों की जो खुशबू उठती है वो नहीं मिलेगी। तो वो जाकर उस्तादों को देखिए, भाई सईद अख्तर साहब क्या कर रहे हैं, शाहनवाज जादी साहब ने क्या किया है, कलीम खान साहब क्या कर रहे हैं, सजाद इकराम साहब क्या क्या चीजें लिए बैठे हैं, भाई जाइए उनसे मिन्नत कीजिए, उनसे टाइम लीजिए, सर मुझे स्टूडियो दिखा दीजिए, मंसूर राय साहब काइंडली कौन कौन से कलर, कौन कौन सी पैलेट आपकी है वो दिखाइए। तो ये मुशाहदाती सिलसिला इस टाइप का, ये कहना जी मैं जी गूगल से, मेरा तो उस्ताद गूगल है, वो गूगल जो है ना चचा इतनी वफादारी नहीं करेगा जो रंगों की सही पैलेट से उठती हुई खुशबू आपको दे। बहुत ही अहम बात की और गहरी बात है, काश कि हमारी जनरेशन को समझ आ जाए। नो डाउट गूगल आपको एक इंफॉर्मेशन तो देगा दे। लेकिन वो जो नॉलेज एक उस्ताद ट्रांसफॉर्म करता है वो शायद जी। मैं सूरत याद ये कि असातिज़ा के साथ जब आपका कनेक्शन जुड़ता है, उस्ताद से आदमी फन नहीं लेता, उस्ताद से फैज लेता है। वाह, जिसे फिर फैज मिल गया ना तो फराज तो ऑटोमेटिकली आएगा। क्या बात, क्या बात। और आज हम जिस दौर में हैं हम यही फैज ढूंढ रहे हैं अपने उस्तादों से, और काश के हमें मजीद मिलता रहे और आप जैसे भाइयों से भी मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। अभी भी दिल नहीं कर रहा कि हम इस निशेष को
किस अंजाम तक लेके जाएं, और इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और नशेस्त करना चाहेंगे जिसमें हम आपके काम को तफसील से डिस्कस करेंगे और ये मोहब्बत हम आप तक भी बांटेंगे। तो सर एक दफा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं फिर आपको इस बात की दाद दूंगा कि आपने ये सिलसिला शुरू करके गोया के टिमटिमाते दिए कि लो बढ़ा दिए, और मुझे यकीन है कि आप पाकिस्तान से कुछ ऐसे नाम मतलब उभर कर आएंगे जो पूरी दुनिया को बता सकेंगे इंशाल्लाह। बेशक हमारी तो जैसे की कोशिश है कि हम उन नामों को उन किरदारों को सामने लाएं, वरना किरदार तो अपनी जगह पे मौजूद हैं और बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं सर अंजाम। बस हमारी भी यही छोटी सी काविश है कि हम आप तक सबको लेके आए और उनका काम उनकी जिंदगी के बारे में आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोग भी इंस्पायर हो सके और अपनी जिंदगी को किसी एक ट्रैक पर ला सके इन उस्तादों को देखते हुए और उनके काम को देखते हुए। अजय भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में एक और मेहमान के साथ आएंगे और उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, और आप किसी और ऐसी शख्सियत के बारे में जानना चाहें, मुलाकात करना चाहें, तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अजब भाई की क्या बातें अच्छी लगी, उनके काम कितना अच्छा लगा, वो भी आप हमारी राय से आगाह करें। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अगली नशिस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।